लोग भी खड़े हुए हैं जो मेरा चैनल यहाँ पे सब्सक्राइब कर। गाड़ी देख लो गाइस एक बार। जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूँ आपका दोस्त आयुष पटेल और आज मैं लेके आई हूँ RS 200। तो आज इसका मैं रिव्यू लेके आया हूँ और हमारे साथ इसके ओनर भी हैं। तो सबसे पहले चलो ओनर से मिलवाते हैं, फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं इस गाड़ी का ओवरव्यू। क्या नाम है भाई तुम्हारा? निखिल भदौरिया। निखिल भदौरिया, तो ये गाड़ी कब का है? लगभग 2 साल। गाड़ी शौक के लिए लिए या वही लिए थे फैमिली यूज के लिए? फैमिली यूज के लिए वैसे कोई लेता नहीं है, शौक के लिए लिए हो गए। तो कितने का पड़ा ये गाड़ी? ये लगभग 2-10 के आसपास। 2-10 के आसपास। कितना चला लिया तुमने इसको? 20,000। मीटर काफ़ी प्यारा लगता है। 20,800 कुछ किलोमीटर चल चुकी है, देख लो। और इसकी एवरेज क्या रहता है? एवरेज 18-19। 18-19। और ये नई ली थी सेकंड हैंड? नई ली थी। देख लो गाइस एक बार, सामने भाई ने महाकाल लिखवा के रखा हुआ है। इसमें सामने की तरफ आपको प्रोजेक्टर बीम मिल जाती है, प्रोजेक्टर हेडलैम्प, और इसके आगे और कुछ है ही नहीं। मतलब ऐसा रहता होगा ना, हाई में ये जलती होगी, लो में ये? हाँ, दोनों जला के बताना जरा। गाड़ी को स्टार्ट करना बता, ये हाई। अच्छा, और लो में करना? लो में एक बंद हो गई, मतलब एक बस जल रही है, और हाई में दोनों जल गई। तो ये सही चीज़ है भाई इस गाड़ी की। और पीछे की तरफ अगर हम बात करें तो इसमें कुछ इस तरीके की जो अजीब सी टेल लाइट मिलती है, बट अब मुझे तो बहुत अजीब लगती है, बियर्ड लगती है, बट ठीक है जिस गाड़ी के हिसाब से। और इस गाड़ी का एग्जॉस्ट देख सकते हो, इसमें जो इंजन है वही NS 200 वाला है, बट इसमें एक फ़र्क है कि उसमें अंडर वैली आता है। तो इसमें भी अंडर वैली एग्जॉस्ट, बट यहाँ पे एक मफलर भी दे रखा है। इसमें कैटलिटिक कन्वर्टर नहीं आता, ये BS4 है। और इसकी तरफ यहाँ पे मिरर्स मिलते थे, जो कि गाड़ी में मिरर्स है नहीं अभी। और यहाँ पे रत्न सेन भी हमारे साथ हैं, और ये टाइम पास करने वाले लोग भी यहाँ पे खड़े हुए हैं जो मेरा चैनल यहाँ पे सब्सक्राइब करवा रहे हैं भाई के इस फोन में। ये कौन सा फोन है? आईफोन। इनकी गाड़ी है ना, इनकी गाड़ी इनसे ज्यादा ये चलाते हैं। तो इसको टॉप स्पीड कितना भगाया है? 128 भगाया हुआ। और यहाँ पे ये असुर आ रहा है जो कि हल्ला कर रहा है बहुत ज्यादा। तो रत्नेश, अपन कहाँ कहाँ, मतलब तुम कहाँ कहाँ लेके गए इस गाड़ी को? तो मैं जयपुर के कोने कोने में लगभग। हाँ, और मेरे 2-4 फ्रेंड इसी गाड़ी से, मतलब हम लोग 2 गाड़ी से घूमते हैं। सही है भाई, तुम एक ये और एक वो। और इसमें लेग गार्ड आता नहीं है, अगर गिर गई तो पूरी सत्यानाश। लेग गार्ड नहीं आता, और इसमें मैन स्टैंड भी नहीं है। मैन स्टैंड भी नहीं है आप इसमें, वो चेचेस में वो होगा भी नहीं ना, अंडर वैली लगी हुई ना, क्योंकि अंडर वैली लगी है। क्या कोई नहीं, इस वजह से इसका मैन स्टैंड अलग से बनवाना पड़ता है। अच्छा, हाँ वो पीछे से ऐसा रखना, लेग गार्ड टाइप का ऐसे उठाने वाला लगता है जब सर्विस पे जाती है। तो अब हम इसके टायर की बात करें तो टायर लगे हुए हैं 140/70/17 का टायर, मतलब काफी छोटा टायर है, स्प्लेंडर से भी छोटा टायर इसमें डला हुआ है। और अगले की तरफ हम बात करें 180/17C52P प्रोफाइल इसकी 52 है। वो तो काफ़ी ज़्यादा स्क्रैचेस भी हैं, गाड़ी काफ़ी ज़्यादा गिरी हुई है, सामने से देखने में ही समझ में आ रही है। नंबर प्लेट इसमें है नहीं। हाईवे पे 180 की स्पीड में उड़ चुकी है, पापा ने गिरा दिए थे क्या? पापा ही चला रहे थे, पापा जी ने गिरा दिए। क्या बात कर रहे हैं, और उनको लगा था नहीं? फिर उनको नहीं लगा था, एक ट्रक में दे दी। अरे बाप रे, तो क्या डैमेज क्या हो गया था? पूरा खत्म हो गया? डैमेज कुछ नहीं, ट्रक बाजू में था और साइड से गिर गई थी। तो मतलब अभी, मतलब जिस तरीके से भिड़ी थी उसके बाद ऐसे ही है, कुछ रिपेयर नहीं? कुछ रिपेयरिंग नहीं करवाई। सही है यार, इतनी अच्छी बिल्ड क्वालिटी मिल रही है तो क्या चाहिए। एयर वेंट लगे हुए हैं यहाँ पे पूरे में, ये गंदी हो रखी जाली क्योंकि यहाँ पे एयर इनटेक वगैरह। 70 की स्पीड में थी तो सामने ट्रक आ रहा था, पापा जी कंट्रोलिंग नहीं थी, पापा जी ने गिरा दी थी। अच्छा, ऐसा है। सीधे खेत में गिरी थी, खेत वगैरह। 2 साल के अंदर पूरी गाड़ी में स्क्रैचेस देख सकता हूँ मैं यहाँ की, यहाँ पे देखने में। या खैर, ये तो कॉमन हो जाती है पकड़ने में कुछ लोग, बट यहाँ पे ये कॉमन नहीं है। भाई ने जब ली थी ये 2 लाख की आई थी, और अभी 2.40 की हो गई है, गन्नू बता रहे हैं जैसे कि। और इसका जरा ये ऑन करना कंसोल मीटर। तो यहाँ पे अपन, यहाँ पे भी पल्सर की जैसी लेगेसी रही है कि यहाँ पे अपन को ये किल स्विच मिलता है यहाँ पे हॉर्न के। और इसमें लाइट वगैरह काफ़ी ज़्यादा प्यारी लगती है, रात में आप देख पा रहे हो, ये चीज़ें काफ़ी अच्छी लगती हैं। इंडिकेटर यहाँ पे ये मिलता है, यहाँ पे हज़ार्ड वगैरह नहीं मिलता, इसमें 4 इंडिकेटर एक साथ जलते हो, सिंपल ही रखी हुई है। ये पल्सर NS और RS में सेम ही मीटर लगता है, जो कि इसमें भी है। इंजन चेक लाइट अभी आ रही है क्योंकि अभी गाड़ी बंद है, गाड़ी चालू होगी तो ये भी बंद हो जाएगा। गाइस, सबसे ज़्यादा मिसिंग इसमें को इसमें एक चीज़ लगती है, वो की है गियर न्यूट्रल लाइट। और इसमें गियर इंडिकेटर हो जाता, मतलब गियर न्यूट्रल लाइट तो है लेकिन गियर इंडिकेटर लाइट नहीं है। गियर आप कौन से गियर में हो, किस गियर में गाड़ी चला रहे हो, वो इसमें दिखता ही नहीं है। और इसमें मैक्स जो RPM वो जाता है 10,000, क्योंकि CDI पर डिपेंड करता है। ये फ्यूल इंजेक्टेड कार्बोरेटर है, फ्यूल इंजेक्टेड है।
तो इसमें गाइस फ्यूल इंजेक्टेड है तो इसमें ECU लगा हुआ है, ECU जितना प्रोग्राम्ड रहेगा उतनी चलेगी। अगर इसमें CDI होती तो ये अपन इसको कस्टम कर सकते थे, बट ये ECU में क्या होता है अपन कंप्यूटराइज तरीके से इसको कर सकते हैं वैसे। और इसकी कुछ यूनिक चाबी मिलती है जो कि पल्सर की अब की बदल दी है, मतलब इसमें चाबी भी आप डिज़ाइन देख लो, पल्सर N, पल्सर P और पल्सर जो अभी आ रही है, हाँ वो तो शायद डिसकंटिन्यू हो गई ना, आ रही है अभी। और यहाँ पे आप इसका ये देख सकते हो फ्लूइड वगैरह, ब्रेक ऑयल का कुप्पा डला हुआ है, इसमें रेडिएटर भी आता है, ताकि इतना बड़ा इंजन है तो इसमें रेडिएटर तो ऑब्वियसली आएगा। ये देख लो रेडिएटर काफ़ी ज़्यादा मिट्टी लगी हुई है। इसमें ना डुअल चैनल ABS मिलता है, डुअल डिस्क ब्रेक मिलता है। अब इसकी आवाज़ हम सुनाते हैं आपको, आवाज़ सुनाओ। गाइज इसमें ना अंडर वैली और मफलर दोनों मिलते हैं, इस कारण से इसका जो लो RPM पे जो एग्जॉस्ट का साउंड है ना वो काफ़ी प्यारा निकलता है। जब ये हाई रैप पे जाती है तो अंडर वैली डिस्क डीएक्टिवेट होके फिर इसके बाद इसके मफलर में जब साउंड जाती है, मतलब इसमें एक ऐसा सिस्टम रहता है जब हाई RPM जाएगा ना तो एक पत्ती जो रहती है पीछे की तरफ मुड़ जाती है, उसके बाद जो मफलर से साउंड निकलता है ना वो काफ़ी ज़्यादा लाउड निकलता है। लो RPM पे आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये बाइक चालू है या स्प्लेंडर चालू है, मतलब इतना अच्छा बजाज ने इसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ करा हुआ है। और अपने यहाँ पे जो KTM वगैरह और कावासाकी जो पहले आती थी वो बजाज ही चलाता था, मतलब बजाज ने ही उसकी फ्रेंचाइजी लेके रखी हुई थी, तो यही कारण है इतना पॉपुलर होने का, क्योंकि उसके जो इंजीनियरिंग है, जो इसका इंजन का इंजीनियरिंग है, इंजन का डिज़ाइन है, वो सारा बजाज ही हैंडल करता था, इस करके बजाज को पता है कि कौन सी इंजीनियरिंग कहाँ लगानी है उसके हिसाब से। और चैन कवर इसमें आता नहीं है, इसमें ये पीछे वाला गार्ड आता नहीं है, मतलब जिस पर हम पैर रखते हैं। ये भी आफ्टर मार्केट लगाया क्या? लगा आया था इसमें, लेकिन वो फुटरेस्ट वाला सिस्टम नहीं है यहाँ पे, आप 2 पिलियन बस बैठ सकते हैं, एक राइडर और पीछे पिलियन बस बैठ सकता है। और स्प्लिट सीट के होने के कारण इस पर आपको फीमेल्स पे बिठाने के, मतलब लेडीज़ को बिठाने में थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है। इसमें कोई ग्रैब रेल जैसी चीज़ आती नहीं, इसी के अंदर सॉकेट दे रखे हैं तो इसी में आप पकड़ के बैठ जाओ, जो कि गन्नी आप बताना बैठ के गन्नू तो इस तरीके से बैठ जाते हैं, तो ऐसे पकड़ के बैठ सकते हैं, ताकि तब ये हाई रैप पे आगे पीछे फेंकती है, ब्रेक लगाने पे आगे फेंकती है और रेस देने पे पीछे फेंकते हैं, पीछे देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। अब चलो हम इसको चला के दिखाते हैं, पता ही नहीं चल रहा कि पल्सर में बैठे हैं कि कार में बैठे हैं, और इतनी प्यारी चल रही है लो RPM पे। बड़ी गाड़ी को यही फायदा होता है, बट एवरेज वही देगी 20-19-22, बार इससे ज़्यादा नहीं दी सकती, कंपनी इसमें 22 का क्लेम करती है। और आप चलाते हो अगर रेव करके तो वही 19-18 पे आ जाता है, और तरीके से चलाते हो तो 22 ही निकाल पाओगे, ज़्यादा तो निकालेगा नहीं इस गाड़ी से। बट ये गाड़ियाँ ज़्यादातर वही लोग लेते हैं जो कि मतलब अभी टीनेजर हैं या फिर शौकिया लोग हैं, बट जनरली लोग तो इस टाइप की बाइक नहीं लेते हैं, क्योंकि इनका हैवी मेंटेनेंस होता है। आप सोचो कि इसको एक बार गाड़ी लेने के बाद फ्री हो जाओ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसका मेंटेनेंस जो सर्विस कॉस्ट है वो भी थोड़ी ज़्यादा ही होती है नॉर्मल बाइक्स के मुकाबले। गाइस यहाँ पे जो है ना वो वैग 12 जो लोकोमोटिव वो आ रहा है, देख लो ये भारत का सबसे पावरफुल लोक